अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज सुबह उठाऊँ तो बारिश भी हो रही है, कितना ये देखें, वो सुबह की कल की बारिश लगी हुई है। बहुत अच्छा मौसम है और बारिश मौसम इंजॉय करना चाहिए। तो अभी मैं दो तीन के लिए बारिश बताई हुई है, जो मैं चेक किया था दो तीन बारिश है। तो मैं अभी जा रहा हूँ शॉप की तरफ, ये बैग में लैपटॉप है, थोड़ी सी एडिटिंग करनी है वो करूँगा। तो अभी मैं शॉप की तरफ जा रहा हूँ, चलते हैं जी। जी तो मैं शॉप पर आया हूँ तो शॉप बंद, भाई गए हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने कॉल की है, पूछा कि इधर दुकान बंद है, तो कह रहे हैं मैं इधर रोड है जो पीछे होटल है उधर गए हैं, जो इधर बुज़ुर्ग बैठे होते हैं उनके साथ चाय वगैरह पीने गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा आज मैं वेट करता हूँ आपका, तो वो आएँगे। तो ये फसल भी देखें कितनी बड़ी हो गई है, अब तो काफ़ी सीटें जो होते हैं जिसके निकल भी आए हैं वो दिखाते हैं आपको पास से। तो अभी तो हाँ एक मंथ रह गया अभी इसको काटने में, एक मंथ के अंदर। अब कुछ दिन पहले तो ये फसल जो है ना येलो देखिए नज़र आ रही होगी ना, ये जो बीमारी होती है इसको आ गई थी। तो फिर इसका स्प्रे वगैरह दोबारा में मेरे ख्याल में किए, तो कह रहे थे कि ये ठीक होगी अब, लेकिन ये जो बीमारी होगी थी इनको। तो अभी आज जुमा भी है, जुमा थोड़ी देर के लिए शॉप पर हूँ, उसके बाद मैंने जाना है घर, जाऊँगा थोड़ी देर फिर नहा धो के तो जुमा पढ़ने की तैयारी करेंगे, जुमा पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह आज। ये वो सामने देखिए, ये उधर सामने मस्जिद है, वो पीछे नज़र नहीं आएगी इधर से, तो उधर जाएंगे जुमा पढ़ने। तो अभी भाई का वेट करूँ, भाई आए तो। ये मस्जिद है जिधर जाऊँगा जुमा पढ़ने, दूर से वो नज़र नहीं आया, मैंने कहा जूम करके बताते हैं आपको। ये मस्जिद, ये तो बाकी ये मौसम भी देखें कितना प्यारा मौसम है, प्यारा भी है और गंदा भी है बारिश का मौसम। तो उसके अलावा ये फसल सारी, भाई का वेट कर रहा था, मैंने कहा जब तक वो आते हैं, वो एक खाली सिलेंडर लाना था वो लेके आ रहा हूँ। तो भाई भी आ गए दुकान पे, कॉल किए कह रहे हैं आ गए दुकान पे, तो मैं भी बस पहुँचा हूँ दुकान पे। तो दुकान खुल गई है, खाली सिलेंडर है इसलिए ऐसे उठाया हुआ है, इतना इजी। तो मैं दुकान के अंदर आ गया हूँ, भाई चले गए हैं, ये बैग उतार के मैं रख देता हूँ ये। तो ये नबील भी आया हुआ इधर, अभी आया ये भी। तो जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो बेहयाई फैला रहे हैं जो औरतें हैं जो। जी नबील भाई क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी देखें, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी इंतहाई गलीज नारा है, हमारा इस्लाम इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता। और हमें जो पाकिस्तानी ड्रामा नवीस लील रहमान साहब हैं उनके साथ देना चाहिए, जो इस गंद के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और मारवी शर्मा जैसी औरतें इस माशरे को जो गंदा कर रही हैं, ये इंतहाई घटिया काम है। इसलिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं, हमारा जिस्म पर हमारे रब की मर्जी है, क्योंकि इस्लाम हमें इस चीज़ की कतन इजाज़त नहीं देता। ये इंतहाई गलीज और घटिया नारा है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो अभी इसके बाद बिल्कुल ठीक है नबील भाई ने, तो इसके बाद जुमा पढ़ने जाएंगे। तो और नबील भाई ने जो गार्डन बनाया हुआ है अपने भतीजों के लिए जो यूके में होते हैं, तो वो मेरी वीडियो भी देखते रहते हैं, तो आज वो गार्डन भी आपको दिखाएंगे स्पेशल। तो चलें अभी शॉप पे हूँ। तो ये बच्चे पेपर दे के आए हैं, पेपर भी शुरू हो गए इनके,
ये देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, बड़ा भी थोड़ा भी भाई भी चेक कर रहे हैं इनके पेपर। ये मेरे को सोखा ये किस ने पाया, कितने लिखा है पहले जो मैं कितने नौ ना पहले जो हां 11 का आया कौन सी क्लास के हैं? तो पास तो जाएंगे, ये नामुमकिन है कि फेल हो। तो अभी चलते हैं जी, बस जुम्मे का टाइम भी हो रहा है, उसके बाद पहले नवीन साहब के गार्डन में चलेंगे अभी। तो ये नवीन भाई फ्री हो गए तकरीबन, अब चलते हैं। तो हमने शॉप बंद की है, शॉप बंद करके अब गार्डन में आ गए हैं। ये गार्डन के अंदर बारिश भी लगी हुई है, तो जल्दी बनाएंगे, बारिश भी है तो बहुत अच्छा मौसम है। सबसे पहले ये जो दरख्त लगा हुआ है ये माल्टों का दरख्त है, इसके साथ लगे होते हैं माल्टे भी। तो अब तो सीज़न भी ऑफ हो चुका है, तो अब तो नहीं है, उधर भी लगे हुए हैं। ये भी माल्टों का लगा हुआ, उसके पीछे है वो भी। तो ये घास लगी हुई है सारे, कितना प्यारा बना हुआ है ये देखिए, चार स्टेप साइड बने हुए हैं। तो सारी घास इतनी प्यारी है, नरम नरम थी। तो और ये इन्होंने नबील भाई ने एक साइड पे जो थूम वगैरह और धनिया जो वो लगाया हुआ है, बाकी साइड पे जो वो लगी हुई है बाहर जिसको बोलते हैं, वो सारी साइड पे बाहर लगी हुई है। और ये नबील भाई ने जो जो गए हुए हैं, इनके भाई दो होते हैं यूके में, उनके भतीजे हैं जो इनके, उनके लिए बनाई है, बहुत पसंद करते हैं, जो सनी भाई वो आपको देखते हैं, डेली देखते हैं आप। हाँ, तो मैंने बोला था ये लाजमी दिखाऊंगा, ये गार्डन जो है बहुत प्यारा बना हुआ है, हमारे घर के साथ ही, वो हमारे पीछे घर है तो हमारे घर के साथ ही है ये, तो बहुत प्यारा बना हुआ है। तो जी आपने गार्डन देखा है, तो अब मैं घर जाऊँगा, मैं तो जुमा पढ़ने की तैयारी करनी है, तो टाइम भी थोड़ा है, तो चलेंगे आप। गार्डन से घर वापस आ गया था, अभी रेडी हो चुका हूँ जुमे के लिए। तो बाहर बारिश भी लगी है, तो अब निकलेंगे घर से, तो थोड़ा जल्दी, टाइम भी थोड़ा है, 10-15-20 मिनट रहते हैं, तो निकलेंगे क्योंकि बारिश भी है। चलिए चलते हैं। तो ये मैं घर से निकल आया था, तो बारिश देखे कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, हवा भी साथ चल रही है, सर्दी भी है, सर्दी 2 दिन बताई हुई है महकमा, बारिश लगी है, टाइम थोड़ा है। तो वापस आके घर जाके मैं आपको एक दो चीज़ें दिखानी है, तो अभी पहले जुमा पढ़ेंगे, फिर वापस आके आपको घर एक चीज़ दिखानी है। तो चले चलते हैं जुमा पढ़ने, रास्ते में हूँ, जो मच्छे जो मैंने बताई थी उधर जाऊँगा, ये इधर रोड से साथ साथ, तो सामने मस्जिद है वो, उधर सामने मस्जिद है। के हम बाहर निकल आए हैं, तो ये बाइक है बील भाई की, आया तो मैं पैदल ही था, बाइक पे जाएंगे वापस घर। तो बाइक पे हम घर की तरफ निकले, वो पीछे मस्जिद, ये अली भाई हैं जी, ये अली भाई जेलम से आए हैं, उधर तो जो पाबंदी है पसंद पे, और इधर मनाने के लिए आए हैं, कल पसंद भी है, पबजी के चैंपियन भी हैं। हाँ, तो पसंद उधर जो जेल में पता है पसंद होती है जो, तो उधर पाबंदी लगी हुई है। अली भाई कह रहे हैं कि इधर आए हूँ मैं, कल जो है मनाएंगे, जो अगर बारिश ना हुई तो, अगर बारिश हुई तो फिर मुश्किल ही है। तो
जी तो मैं वापस आ चुका हूँ घर। आज बहुत ज़्यादा सर्दी भी है, ठंड भी है, तो उसकी वजह से पता नहीं मुझे ऐसे ही पेन हुआ है थोड़ा बैक पे, तो मैंने हीटर लगाया है, थोड़ी देर इधर बैठूँगा। तो मैंने जो चीज़ दिखानी थी वो ये है, तो एक ये है, तो मुझे इस बैक पेन था, मैंने कहा ये भी सारा एक्सरसाइज भी करूँगा, आपको भी दिखाऊँगा। ये मशीन है जो इसको ऑन करते हैं पहले, तो ये ऑन, ये इसका ऑन होगी तो इसके ऊपर आप बैठेंगे तो ये दबाएगी आपको ऐसे, ये नीचे जो ये ऊपर जाते हैं। मैं ऑन करता हूँ पहले इसको, पावर ऑन, ये ऑन हो गई है। तो ये देखना भी, इसको अब दबाएंगे तो ये गर्म भी, जो इसके दो किस्म के इसके मोड हैं, एक गर्म और एक नॉर्मल जो होता है, तो अगर आपकी मर्ज़ी होती है जो भी लेना चाहें। तो अब इसको देखते हैं, गर्म करते हैं इसको, ये अब गर्म हो गया ये, तो इसके ऊपर मैं बैठूंगा ऐसे, तो अब मुझे इसे दबाना शुरू कर दिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर जैसे भी बैक पे आपको पेन होगी तो ये दबाएगी तो और सारा दर्द ख़त्म। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, ये भाई लाए थे उधर से, इंग्लैंड से, मुझे भी ये दबा रही है कितना ज़बरदस्त तरीके से, ये ऊपर तक सही दबाती है, बहुत ही कमाल का मज़ा आ गया। तो एक ये भी चीज़ है, ये भी ऐसे ही है, तो ये भी इसी तरह की है, लेकिन ये है कि जिधर दर्द हो उधर आप बांध सकते हैं ये इसके साथ, जिस्म के साथ जिधर भी दर्द हो, तो फिर इसको ऑन कर लें तो वो दबाती रहेगी। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये भी दिखाते हैं आपको अभी, चलें अभी ये दिखाएंगे। वो मैंने उतार दिया है, तो ये मैंने ऑन की है अभी, निकाल दिए इधर, तो ये ऑन कर लेते हैं इसको भी। तो इसके भी, इसके साथ भी वही ऑप्शन है, इसको हम गर्म भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी तरह भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल भी। तो ये आस्ता दो तीन किस्म के इसके ऑप्शन है, स्लो भी यूज़ करते हैं, फास्ट भी। तो इसको ऑन करते हैं, ये ऑन हो चुकी है, तो इसको बांध सकते हैं जिस्म के साथ कहीं भी, ये इसके साथ हैं तो अभी मैं बांध के तो नहीं दिखा सकता, तो ऐसे ही है, दबाती है बस, ऐसे रखो दबाती रहती है ये, जिधर भी जिस्म के साथ, जिधर भी दर्द हो, बाजू पे दर्द है या जिधर भी दर्द है आप इसको कर सकते हैं। तो ये तेज़ भी हो सकती है, ये तेज़ हो गई अब, ये अब स्लो हो गई है, तो ये जो नॉर्मल मोड और ये गर्म। तो देखा है ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, बंदे थकावट जितनी मर्ज़ी हो ये थकावट दूर कर देती है, किसी के दबाने की, किसी बंदे को कहने की ज़रूरत नहीं है कि आगे दबा दो या थकावट हुई है या कुछ भी, या बस ये पास हो तो फिर थकावट होती ही नहीं है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।